हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी। पूजा वर्मा, वेरी गुड इवनिंग। रात हो चुकी है। बताइए कितने लोग जुड़ चुके हैं क्लास में, फटाफट बताएं कमेंट करके। जो लोग क्लास में आ चुके हैं, और ये हमारी एमसीक्यू की कितनी कौन सी क्लास है, अभी स्टार्ट हुई है, बस जस्ट हुई है अभी क्लास। बताएं ये हमारी एमसीक्यू की कौन सी क्लास है, कौन से नंबर की क्लास है ये। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। बैच हमारा एमसीक्यू है, बैच हमारा एमसीक्यू है, लेकिन फिलहाल फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो है पीवाईक्यू। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQ में हम लोगों ने एक भाग कंप्लीट कर लिया, मध्यकाल। मध्यकाल के जितने भी क्वेश्चन HSSC ने आज तक पूछे हैं, मैंने सारे करवा दिए। एग्री हो इस बात से? सारे करवा दिए मैंने। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक। आधुनिक के जितने भी क्वेश्चन HSSC ने अब तक पूछे हैं, सारे के सारे अब हम करेंगे। तो अब हम दूसरे भाग, तीसरे भाग में चले गए, एंशिएंट लास्ट में करेंगे। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? सबको नमस्कार। बताइए, मध्यकाल के सारे क्वेश्चन जो HSSC ने पूछे, डन। आपकी टेंशन खत्म, प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ने। अब आधुनिक के जितने भी पूछे हैं अब करेंगे, आज के इस क्लास में आधुनिक के करेंगे, क्लास नंबर 3 है ना। चलिए जी, कर दें स्टार्ट। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर, आपके सामने। क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? देखिए जी, यूरोपीय किस सदी में भारत आए थे? सदी हम किसको बोलेंगे भाई? हम सदी बोलेंगे पूरे 100 साल को, तो यानी कि कौन सी सदी में आए थे ये लोग। ठीक है, देखिए, यूरोपियन की अगर मैं बात करूं तो 1498 में आ गए थे कौन? पुर्तगाली। 1498 में आ गए थे पुर्तगाली। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1596 में आ गए थे डच, 1606 में आ गए थे अंग्रेज, 1664 में आ गए थे फ्रांसीसी। अगर देखा जाए तो नीचे वाले जो लोग हैं, क्लियर नहीं दिख रहा, सुन तो क्लियर रहा होगा, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी है ये 1600 समथिंग में आए हैं, यानी कि 17वीं सदी में आए होंगे। ये 1500 समथिंग में आए थे डच, यानी कि 16वीं सदी में आए होंगे। पुर्तगाली 1400 समथिंग में आए, यानी कि 15वीं सदी में आए होंगे। पूछा क्या है, सबसे पहले किस सदी में आ गए थे? तो भैया 15वीं सदी। मैं ठीक हूं, 15वीं सदी ऑप्शन में है? बिल्कुल है जी, 15वीं सदी आएगा आंसर। बताइए, ए लिख दिया, वाह। 17वीं सदी कैसे आ जाएगा? यूरोपीय किस सदी में, ये सारे यूरोप से ही तो आए, तो सबसे पहले जो आए थे वो लोग, बस इतना ही फर्क है। 1498, 2 साल बाद आए होते तो वो 16वीं सदी में आते। बताइए जी, सबको गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। नमस्ते। 15वीं सदी, ये बात लिख लो, ये साथ में लिख लो, लिखेंगे तभी मैं आगे चलूंगा। एक एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें। अब मान लो अगले पेपर में यही आ जाए कि डच कौन सी सदी में आए, इनको रख दे एक एक को, डच कौन सी में आए? देखो, डच 1596 में आए, यानी 16वीं सदी, 16वीं ऑप्शन में नहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से चीजें होंगी। लिखो फटाफट ये चीज और बताओ। 1 मिनट का समय, बिल्कुल 1 मिनट का समय। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड आफ्टरनून। पहला क्वेश्चन ये बात मेंशन कर लो। अच्छा, फ्रांसीसी पूछ लिया जाए तो, फ्रांसीसी आगे देखिए, डन। ये क्वेश्चन देख लो साथ में एक बार। HSSC क्लर्क, हेड ऑफिस कैडर, 2020,
28 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी हिस्ट्री के आए हैं ना आज तक सारे करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एचएसएससी प्रवर श्रेणी लिपिक 1 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन शासकों ने भारत में शासन नहीं किया, किन्होंने भारत में शासन नहीं किया? अंग्रेजों ने किया था, पुर्तगालियों ने किया, डचों ने किया, ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं आया, ठीक है समझ में आ गई बात। डचों की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भारत में पूर्वी तट पर, यह भी लिख लो। पुर्तगालियों की बात करूं तो पश्चिमी तट पर, गोवा मुंबई का एरिया। अंग्रेजों की अगर मैं बात करूं तो ये तो कंप्लीट इंडिया पे ही कब्जा चुके थे, ठीक है। ये दो बातें और लिख लो इनके बारे में। अच्छा क्वेश्चन का सिर्फ ये तो नहीं है ना, आप क्वेश्चन देख रहे हो और टिक कर रहे हो, बस क्वेश्चन जरूर लिख लेना, कौन कौन लिखता है मुझे बताना एक बार साथ में, लिखता कौन कौन है। ऐसा नहीं है कि मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया और आप लोगों ने कहा इसका तो ए बी ऐसी है, बस वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, लिखेंगे क्वेश्चन तो बात बनेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने से भी नहीं मिलते और यहां पे आपको पका पकाया मिल रहा है सब कुछ। जो लोग लिख रहे हैं वो खुद के लिए बिल्कुल ईमानदार हैं, खुद के लिए सही कर रहे हैं आप लोग, जो नहीं लिख रहे वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, लिखते ही डन करें फिर आगे चलूंगा। चलो आगे, वेरी गुड, फर्स्ट बैच से ही लिख रहे हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तरीके से, मेरे बोलने से पहले ही पढ़ देते हैं आप लोग तो, है ना। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति संबंधित थी, हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति 1848 में स्टार्ट हुई थी और ये स्टार्ट की थी लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी आंसर आएगा ये। अब लॉर्ड कर्जन दे रखा है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। डलहौजी ने इसके अलावा क्या क्या किया था? रेलवे चलाई थी, पोस्ट ऑफिस यानी कि पोस्टल सर्विस, स्टार्ट की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। सबके बारे में डिटेल्स, सब कुछ लिख लो, सारा कुछ लिख करके बताएं। डलहौजी तो ठीक है लेकिन कर लो। अच्छा इसमें भी लिखा हुआ है कि किस पेपर में आया था ये, बिल्कुल ये मैंने काट दिया, लेकिन आए हैं सारे एचएसएससी में, क्योंकि ये बैच भी तो एचएसएससी के लिए है ना। डन। क्लाइव, क्लाइव ने नींव डाली थी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की, रॉबर्ट क्लाइव है ये। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ पहले तो, मैं भूल गया लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे कितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, एक बार संख्या बताना ताकि मैं संख्या नोट करता रहूं कि मैंने कितने पीवाई किए और कितने एमसीक्यू करवाए। संख्या बताना उसकी कितनी थी लास्ट टाइम जो संख्या हुई थी पिछली क्लास में, 63 करवा चुका था या कितने क्वेश्चन थे बताना एक बार, टोटल क्वेश्चन। हम संख्या नोट करेंगे ना साथ में जी। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए कितने क्वेश्चन करवा चुका था लास्ट जो वीडियो थी, दो वीडियोस में नोट तो कर ही रहे होंगे आप लोग नंबर तो क्वेश्चन का, 63, तो ये था 64 है ना। उसके बाद हुआ 65, 66 कर लिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
67। ये देखिए जी, पहले तो आपको यही दिखा दूं मैं, काम की चीज, आपके काम की चीज, हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल परीक्षा 26 सितंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 ही हो गया ना, ये भी भूल गया मैं, हाँ 67। प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो पक्षों के बीच हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी 1757, 23 जून 1757 को हुई थी। ये प्लासी नाम की जगह बंगाल में है और इस युद्ध में मीर कासिम तो था ही नहीं, सिराजुद्दौला और अंग्रेज, ये बात बिल्कुल सही है, सुजाउद्दौला इस युद्ध में नहीं था, मीर जाफर सिराजुद्दौला नहीं जी, मीर जाफर का ही सेनापति था, सॉरी सिराजुद्दौला का ही सेनापति था मीर जाफर, लेकिन जो अंग्रेजों के साथ मिल गया था, सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेज, प्लस में अंग्रेजों का साथ दिया था मीर जाफर ने, और यही वो लड़ाई है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव उड़ाल देती है। क्वेश्चन नंबर 67 डन। बताइए, डबल क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, डबल का मतलब थोड़ी ना कि मैंने रिपीट किया है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, सर अब की बार तो एनटीए बनाएगी क्वेश्चन, तो क्या हो गया, क्वेश्चन कोई नए थोड़ी ना बनाएगी, क्वेश्चन तो वही है, ठीक है 67 हो गया डन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, 68वां क्वेश्चन, आप लोग भी क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। सुरेंद्र क्या रिप्लाई चाहिए जी, आपके बारे में कोई पूछे तो कोई रिप्लाई नहीं दिया है ना, क्यों देंगे वो लोग, पैसा नहीं दे रहे वो लोग। चलिए देखिए, एचएसएससी असिस्टेंट लाइनमैन की परीक्षा थी 14 अक्टूबर 2021। क्वेश्चन आया है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है बताइए, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है कुछ, लेकिन वास्तव में इसका जवाब कोई भारतीय ही है, और वो है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाएगा सरदार पटेल को। मुझे पता था कॉर्नवालिस करोगे, है ना, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार पटेल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको भविष्य में पंचायत कहा गया, भविष्य में पंचायत कहा गया, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को हम बोलते हैं, और ये क्वेश्चन एचएसएससी ग्राम सीयू 10/1/2021 जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसमें आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। तो भैया लॉर्ड रिपन है ऐसे वायसराय, 1880 से लेकर 84 तक का इनका कार्यकाल है, इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन के ऊपर फोकस किया था। करें इसको नोट, करें, क्वेश्चन लिख तो रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आगे आगे चलता रहूं, बस लिखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए।
बताएं, डन? चलिए, मुझे है ना सच में यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग लिख रहे हैं। डी आएगा जी, लॉर्ड रिपन। रिपन आएगा, बी नहीं आएगा, डी। ये अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना ये देख के कि हाँ यार देखो ग्राम सीयू में आता है तो। ठीक है, चलिए आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70वां प्रश्न देखिए जी। पहले तो ये देख लें किसमें आया था ये। एचएसएससी क्लर्क 2016, यानी कि बहुत पुराना क्वेश्चन है भाई, बहुत पुराना क्वेश्चन है। सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है आपको इनमें से बताना है। डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन, डलहौजी का नहीं आएगा, यानी कि ए तो नहीं है। कार्नवालिस स्थाई बंदोबस्त, ये बिल्कुल ठीक है। वेलेजली सहायक संधि, विलियम बेंटिक रेगुलेटिंग एक्ट, ना जी, यानी कि दो और तीन सही है। दो और तीन किस में सही है? डी में, दो और तीन सही है। 70 का डी आएगा आंसर, क्योंकि जी डलहौजी ने सती प्रथा का उन्मूलन नहीं किया था, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। कार्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त हुआ था, बिल्कुल सही मानता हूं मैं, 1793 लिख लेना ये बात। अच्छा, इन सबके है ना, ये बात लिख लेना, किसके समय में क्या विलियम बेंटिक दे रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट? नहीं जी, रेगुलेटिंग एक्ट भी तो कार्नवालिस के समय में ही आएगा। ठीक है, तो वेलेजली की सहायक संधि बिल्कुल डन है, सही है। सती प्रथा का उन्मूलन 1829, भू बंदोबस्त 1793, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और सॉरी 1773 में जो था वो था वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। वेलेजली की सहायक संधि 1798। सबका कार्यकाल लिख लो। क्वेश्चन ठीक है यार, दिख तो रहा है, कंप्लीट ये नीचे चला जाएगा अगर मैं इसको जूम करूंगा तो। चले जी, पीडीएफ मिल सकती है क्या प्रैक्टिस सेट की? एक क्लास में कर तो रहे हो आप लोग यार, अगर आप लोग डायरेक्ट इन्हीं को लिख लोगे अब ठीक है। अब दिख रहा है? चलो वो ए बी सी डी बाद में देख लेना, पहले ये क्वेश्चन देख लो। अब दिख रहा है क्या बताना? हाफ हाफ कर दीजिए तुम, नहीं ए बी सी डी की जरूरत नहीं है, वो आंसर देख लीजिए बस, दो और तीन सही है, दो और तीन सही है। डलहौजी के सामने देखी सती प्रथा, डलहौजी नहीं था सती प्रथा के टाइम पे, था विलियम बेंटिक। कार्नवालिस के सामने देखा स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल ठीक है। वेलेजली के सामने देखी सहायक संधि, बिल्कुल ठीक है। विलियम बेंटिक के समय में दे रखा है रेगुलेटिंग एक्ट, बिल्कुल गलत है, विलियम बेंटिक नहीं था, वॉरेन हेस्टिंग था यहां पर। ठीक है, डन। अब मैंने बता दिया दोबारा से अच्छे से तरीके से, क्या कोई समस्या है? अब तो साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यार मेरे को देखने दो एक बार भाई, कैमरे में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है जो मेरे सामने लगा हुआ है। क्लियर नहीं है? सुना तो क्लियर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, 71वां प्रश्न देखिए जी आप लोग। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये प्रश्न आया हुआ है एचएसएससी क्लर्क 2016 में। लो भाई मजे हो गए ना, जब ये पता लगता है ना कि किस में आया हुआ, इतना मजा आता है क्वेश्चन देख करके। आप लोगों को बताना है सभी गवर्नर जनरल का कार्यकाल किसके बाद कौन आता है। ठीक है, आप लोगों को ये बताना होगा। इनमें वारेन हेस्टिंग सबसे पहले आएगा, वारेन हेस्टिंग के बाद। अब देखिए आइडिया लगाना आप लोगों को, कार्यकाल भले ही ना याद हो। कार्नवालिस के समय में 1793 में हमें पता है क्या हुआ था,
स्थायी बंदोबस्त। वेलेजली ने 1798 में सायक संधि, इसका मतलब कार्नवालिस पहले आएगा, सबसे पहले वारन हेस्टिंग आएगा, ठीक है, लास्ट में बच गया डलहौजी। तो 3, 2, 1, 4 आंसर होगा सी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, आप एक एक काम याद रख लो। डलहौजी तो लास्ट में आता है इनमें से, ठीक है। वेलेजली का सायक संधि आपको याद हो गई, इसका मतलब इससे बाद में आया होगा वेलेजली। वारन हेस्टिंग 1773 में ही पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, बस बात खत्म हो गया याद, कुछ भी नहीं है। मतलब इनके कार्यकाल याद रखने की बजाय इनका काम याद रख लो, और काम की डेट याद हो, बस बात खत्म। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर तब नहीं होते जब हमें याद होता है, होते हैं जब जब हमें समझ रखा होता है सारा को सारा। लिख लो इसको कर्मानुसार, लिख लो इनके नाम सबके, इन सब के नाम कर्मानुसार नोट कर लीजिए। नोटेड, बड़ा जल्दी देखते हो यार। चलिए 71 के बाद 72वां प्रश्न, 72वां प्रश्न हमारा देखिएगा जी, ये भी HSSC के ही किसी एग्जाम में आया हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल बने थे। अब ना तो दे रखा इंडियन, ना दे रखा ब्रिटिश, तो आजादी के बाद पहले बने थे माउंटबेटन। राजेंद्र प्रसाद तो पहले राष्ट्रपति बने थे, जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम बने थे, क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटिश पीएम थे, जब देश आजाद हुआ था ना तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन की बात है, सब एक ही समय के है। देखो उसी समय माउंटबेटन तो बने थे गवर्नर जनरल, उसी समय जवाहरलाल नेहरू बने थे पीएम, उसी समय राजेंद्र प्रसाद बने थे राष्ट्रपति, उसी समय क्लीमेंट एटली थे ब्रिटिश पीएम, सब इक्वल है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? लिख लो, सबको लिख लो कौन कौन क्या क्या था। माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल, आजादी के बाद वायसराय नहीं बने, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो भी माउंटबेटन थे। पहले और आखिरी भारतीय पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नाम आ जाएगा। डन, लिखिएगा। क्या कोई समस्या आ रही है? ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार था वैसे, मेरे को ऑप्शन देख के बड़ी खुशी हुई, ये जो मैंने ऑप्शन देखे ना, क्योंकि सारे ही एक समय के हैं बंदे। बताएं जी, बताएं बताएं बताएं, चलें आगे। देखिए जी, आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने दिया था? फटाफट बताएं आप लोग इसका आंसर क्या आएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने दिया था? एक किताब है, मैं किताब का नाम लिख रहा हूं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बुक है, और ये किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, उन्होंने ही इसमें बताया था कितना पैसा ले गए हमारा, कितना पैसा यहां से वहां गया, धन का बहिर्गमन, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, धन की नदियां बही है, सारा पैसा यहां से वहां गया है, ये बात किसने बताई है? दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस किताब में। ये भी पूछा जाता है धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सी बुक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत बार पेपर में आई है,
इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बुक है ये, ठीक है। एचएसएससी क्लर्क 11 दिसंबर 2016 में पूछा गया था, बताइए जी। ये बड़े सच में मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि एचएसएससी वालों ने जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसमें वो भी आएंगे, ग्रुप डी वाले भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ग्रुप डी में मॉडर्न में से ही आए थे क्वेश्चन, ग्रुप डी का बड़ा खतरनाक एग्जाम था, ठीक है। डन, लिखिए इसको, ये बात भी लिखिए। दादा भाई नौरोजी वो हैं जिनको भारत का महान बूढ़ा व्यक्ति कहा जाता है, भारत का महान बूढ़ा व्यक्ति कहा जाता है, भारत का महान बूढ़ा व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। डन, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत का साम्राज्य में कितना भू क्षेत्रफल घेरा गया था? ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था, इसका जवाब आप लोग देंगे। और सोचिए, ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है, और ग्रुप डी का मतलब है भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक पेपर। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? कौन बताएगा आंसर? वन थर्ड, धीरे धीरे चलूं, आंसर वन थर्ड, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं। लो भाई, एचएसएससी ग्रुप डी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, एचएसएससी ने इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा। देखिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पहले देख लो, एचएसएससी ग्रुप डी, वाह भाई वाह, ग्रुप डी वाले आ गए भाई, क्वेश्चन मतलब हिला देंगे आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थित हुए थे? किस शहर में पहली बार ब्रिटिश कंपनी के एजेंट घुस के आए थे? बताइएगा इनमें से क्या जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थित हुए थे? सर जी, यूट्यूब पर एक बड़ी दाढ़ी वाला मास्टर एक ना, उससे मत पूछना, उनकी नहीं चलती, उनकी नहीं चलती। देखिए जी, कलकत्ता तक तो लास्ट में पहुंचेंगे, वो एक्चुअल में सबसे पहले अगर मैं बात करूं किस शहर में अवस्थित हुए थे, अगर इन तीनों शहरों की बात की जाए, तीनों शहरों में सबसे पहले उन्होंने मद्रास में एंट्री मारी थी, ठीक है, तीनों शहरों में, यहां कोचिन तो बहुत बाद में, तीनों शहरों में। देखो, कलकत्ता जो है वो 1690 में आधिपत्य हुआ था, बॉम्बे 1668 में कंपनी को मिला, और मद्रास 1639 में। तो ये अवस्थापित हुए, सेटल्ड हुए सबसे पहले मद्रास में। आंसर इज सी, एचएसएससी ग्रुप डी। देखो बड़ा बड़ा लिख रखा है, क्योंकि आज तक का सबसे खतरनाक एग्जाम जो हुआ है वो ग्रुप डी, और उसमें मुश्किल भी जीके आई थी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी क्या खतरनाक दे रखी थी। बताइए, ला दीजिएगा इसमें लाल के, सर हैं तो चाय भिजवा दीजिएगा, मेक इट फास्ट। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर भूल गया यार मैं, 74 था ये, 75 और अब देखते हैं 78, मजा आएगा फिर तो। ये आ गया जी मेरा फेवरेट क्वेश्चन, 78 आ गया क्या 75 के बाद? 76, क्या यार 76। देखिए जी, मजेदार प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था, व्हाट इज रैयतवाड़ी सिस्टम? रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है? ये भू राजस्व वसूलने का एक तरीका है। रैयतवाड़ी जो प्रथा है वो 1820 में थॉमस मुनरो ने लागू की थी। रैयतवाड़ी बॉम्बे और मद्रास के एरिया में लागू हुई थी। बॉम्बे और मद्रास में क्या था रैयतवाड़ी? रैयतवाड़ी का मतलब था भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो पैसे चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू चाहिए, राजस्व चाहिए किसानों से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट बीच में से जमींदारों को हटा करके
डायरेक्ट किसानों से पैसा लेती थी, इसको बोलते थे रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में किसानों का पैसा डायरेक्ट किसान ही कंपनी को देंगे, इसको बोलते थे 1820 में लागू हुई थी। पूरी बात इसकी लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बता दी, रैयतवाड़ी प्रथा। और यहां पे रेट फिक्स कर दिया गया था 63% लेंगे जी हम, 63% किसानों का पैसा कंपनी को मिलता था। ठीक है, बताइए जी। अच्छा एक बात दिल से बताओ, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, क्वेश्चन मजेदार है या नहीं है? ये कोई नए नहीं है, एचएसएससी वालों ने निकाले हुए हैं। लास्ट कितने ईयर आज तक एचएसएससी ने जो पूछा है मैं तो वो करवा रहा हूं जी, आज तक। देखिए 2017 का है, पंचायत विभाग का, पंचायत सेक्रेटरी का था ना, ऑफिसर का। ठीक है, बताओ ना, मजे आ रहे हैं ना क्वेश्चन देख करके, लग रहे हैं ना मजेदार क्वेश्चन? धीरे धीरे चलूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए जी, जो लोग लेट हुए हैं बाद में देख लेना, है मजेदार चीज। गुरुजी लिखा नहीं जाता, लिखो यार, ये सबसे गलत चीज लग रही है मेरे को, लिखना तो पड़ेगा, मेहनत करो। क्या है इसमें, लिखो तो क्वेश्चन लिखो, रिडायरेक्ट लिखो आंसर, तीन ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है ना, जिसकी जरूरत है हमें वो लिखेंगे। अब यहां पे जरूरत हमें एक ही ऑप्शन की है। ओके चलिए जी, अगले देखिए, 76 हो गया, 77 ये आ गया जी, मजेदार क्वेश्चन। ये भी मेरे को लग रहा है ग्रुप डी में, किसमें आया था, दे नहीं रखा। चलिए 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में किसने हिस्सा नहीं लिया, ये ग्रुप डी में नहीं है, ये एचसीएस में आया था। आराम से बोलूं, साथ में लिख रहे हो आप, एचसीएस में आया था 2019 वाले में, एचसीएस के एग्जाम में आया था ये। 1857 की क्रांति में किसने हिस्सा नहीं लिया था, मेरी बात सुनिए, रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से लड़ रही थी, ठीक है, नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे ग्वालियर से, बच गए चंद्रशेखर आजाद, ये तो नेशनल मूवमेंट में थे, चंद्रशेखर आजाद देश की लड़ाई में थे, पहली लड़ाई में नहीं थे, दूसरी में थे। ठीक है सर, क्या लेवल हाई कर सकते हैं या जो आता है वही आएगा? मैं समझा नहीं आपकी इस बात को, लेवल हाई का एक बार बताना। एक बार पहले तो मेरा फर्ज ये है ना कि जो आ चुके वही करवा दूं, आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं? आप देखिए पिछली जो मैंने क्लास ली थी कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे, आपको वहां से कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लेवल तो जब मैं अपने वाले करवाऊंगा एमसीक्यू देख लेना आप लोग, लेवल तो भाई देखो मेरा लेवल ये चलेगा, बिल्कुल आसान भी चलेंगे क्योंकि पानीपत की लड़ाइयां भी पूछी है, मुश्किल भी चलेंगे, खतरनाक भी पूछे हैं, जो आएगा वैसा ही आपको बना करके दिया जाएगा। ठीक है समझ गए, बड़ा आसान था ये तो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है क्वेश्चन, इसमें तो लिखने पड़ेंगे चारों ऑप्शन, है ना, लिखा है तो डन लिखिए, रिपीट होते हैं तभी तो करवा रहा हूं। और ये तो देखिए आपके लिए फायदे की चीज है, सच बता रहा हूं मैं अपनी, मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा ऐसा कि पीवाईक्यू आपको टीचर से प्रोवाइड हो रहे हैं, मिलते ही नहीं है, मार्केट में ही नहीं मिलते हैं, अलग अलग किताबें मिलेगी, छांट लो उनको, छटाई कर लो, यहाँ पे छटे छटाई पका पकाया मिल रहा है सब कुछ, देख लीजिएगा। और ये बड़ी बेहतरीन शुरुआत की है लिसो ने, क्योंकि मैं मानता हूं एमसीक्यू वाला कंसेप्ट कोई देता ही नहीं था, बच्चे अपने आप ही मेहनत कर रहे थे, और ये जो लिसो ने शुरुआत की है एमसीक्यू की, अब तो सब कर देंगे, ये आप लोगों के हितों को देखते हुए किया है। ठीक है, भविष्य में भी ऐसे ऐसे प्लान्स है हमारे पास जो आप लोगों के लिए सुविधाजनक होंगे। चलिए आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 78, 78वां प्रश्न आ गया है जी, एचएसएससी ग्रुप डी। लो भाई ग्रुप डी का देखते दिमाग खराब हो जाता है ना, ये क्वेश्चन नंबर 78 है ना, 77 के बाद 78।
78वां क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हम बोलते हैं 1857 की क्रांति को। सिपाही विद्रोह कब बोलते हैं, किसको बोलते हैं? 1857 की क्रांति को। फटाफट लिख लो इस क्वेश्चन को, फटाफट। सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है। HSSC ग्रुप डी, ग्रुप डी वाले खुद को बड़े खतरनाक क्वेश्चन है भाई, बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। देख लो IAS लेवल के क्वेश्चन है। कर लिया, बहुत बढ़िया। ये तो देखते ही लिख लिया होगा ना, लिखने कईयों ने तो ये सोचा होगा इसको क्या लिखेंगे, वैसे ही बोल देते हैं लिख लिया सर। ग्रुप डी का क्वेश्चन 79, ये वो क्वेश्चन है जब मैं पहली बार क्लास में जाता हूं ना तो मैं बोर्ड पे यही लिखता हूं भाई, देख लो ग्रुप डी में ये पूछा था। ये वो क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? दो बंदे थे, निकल्सन और हडसन, दो बंदे थे, दोनों ने गिरफ्तार किया था। वैसे तो दोनों गए थे दिल्ली में, लेकिन हडसन ने गिरफ्तार किया था। कैंप बेल तो गया था कानपुर में, ठीक है। अच्छा दो दे रखे, लिखो, ये मजेदार चीज है क्वेश्चन में, दोनों दे रखे, बी ऑप्शन है ये, मेरा ध्यान अब गया। निकोलसन भी गया था, हडसन भी गया था, दोनों ही गए थे लेकिन इन्होंने गिरफ्तार किया था। सर ह्यूरोज गए थे झांसी, रानी लक्ष्मीबाई व ग्वालियर से तात्या टोपे को अरेस्ट किया था इन्होंने। कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर से विद्रोह का दमन किया था, यानी कि नाना साहब को, ठीक है। तो देख लो भाई, मेरे हिसाब से जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, मैं तो हैरान हूं। नौकरी चपड़ासी की और पेपर का लेवल HCS, ये क्वेश्चन HCS में भी नहीं आता इतने मुश्किल जो पूछा गया है। आप सोचिए ग्रुप डी में, ये ग्रुप डी तो इतना चर्चा का विषय रहा और मैंने भी क्लास में इतना चर्चा का विषय बनाया, बनाना भी चाहिए। खुद मैं देख पा रहा हूं कि आप कितने अजीब अजीब क्वेश्चन यहाँ पे, उसी साल HCS का एग्जाम होता है, उससे अगले साल HCS में काफी आसान थे क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 79 के बाद 80, 80वां क्वेश्चन। अस्सीवां प्रश्न देखिए, ये भी ग्रुप डी का है, ग्रुप डी का है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव तक हिल गई थी? 1857 की क्रांति के बाद एक बार तो तब हिली नींव, उसके बाद कौन सा आंदोलन था कि दोबारा से सिस्टम को हिला दिया, अंग्रेजों का बुरा हाल कर दिया? अब मैं आपको बताता हूं, रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, होम रूल लीग 1916 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905 और 6 में हुआ था। पूछा क्या गया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिल जाने का काम स्वदेशी आंदोलन, पहली बार स्वदेशी आंदोलन। यहां बुरा हाल हो गया था कंपनी का, सॉरी अंग्रेजों का, बुरा हाल कर दिया था, ठीक है। हालांकि इनमें बड़ा आंदोलन तो ऐसा ही हो गया, लेकिन पहली बार 1905 में ही उखाड़ फेंका होता बस, ठीक है। वो तो कांग्रेस में फूट डाली इन्होंने, गरम दल नरम दल बने, सबको अलग अलग कर दिया। डी नहीं आएगा अमित, डी नहीं आएगा, देख लीजिए 80 ए, सबसे पहले दे रखा है ना पहली बार, ये शब्द भी तो देखिए ना आप। एक बड़ा आंदोलन कौन सा आया तो ये होता, पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिली दोबारा से तो स्वदेशी आंदोलन के साथ हिल गई थी, ठीक है। अगर ये ना माने ऑप्शन में तो फिर हम इसको ही मानेंगे आंसर, लेकिन ये दोनों तो इसका ए आएगा, ठीक है। चलिए आगे, लिख लिया है क्या? ये सारे लिखो जो आंदोलन दे रखे, इनका जरूर लिखो आप लोग, कौन सा कब हुआ ये जरूर लिखो सारी की सारी बात। है समस्या कोई? डन, चलिए 81वां प्रश्न देखिए। हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर, हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर 81, फरूख नगर से किस नवाब ने अंग्रेजों को से टक्कर ली थी? फरूख नगर से किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, बताइए जी इसका आंसर, बताएं फरूख नगर से किस नवाब ने 1857 में अंग्रेजों से टक्कर ली थी? मोहम्मद बिन तुगलक था ही नहीं उस समय, बलबन नहीं था, गयासुद्दीन नहीं था, बच गया दलेर खान,
दलेर खान आए, गड्डी आए गए तो श्योर है। क्वेश्चन तो मुश्किल था लेकिन ऑप्शन देख करके आसानी हो गई। कई बार होता है ऐसा, क्वेश्चन को पढ़ के फिर दिमाग खराब होता था, ऑप्शन तक जाते ही नहीं हम, ऑप्शन बड़े आसान है। ठीक है, फरूख नगर से 1857 में किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का, गयासुद्दीन तुगलक वंश का, बलबन गुलाम वंश का राजा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा लिख लिया क्या? लिखो इसको, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है आप लोगों के लिए। 81 हो गए क्वेश्चन टोटल मेडिवल और मॉडर्न के। डन लिखें फटाफट, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, 82वां प्रश्न। पहले तो मैं ये दिखा दूं कहां आया था, पटवारी, पटवारी में आया था जी, देख लो पटवारी का पेपर, पटवारी में आया था। और क्वेश्चन था, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इस चीज को लेकर के 29 मार्च 1857 बंगाल के बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी के अंदर 34 VNI नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना की एक टुकड़ी, 34 VNI के अंदर पहली गोली भी चला दी थी। मंगल पांडे ने कहा था इस बंदूक को हाथ नहीं लगाएंगे हम, इसमें चर्बी लगी है, अंग्रेजों ने फोर्स किया, तो मंगल पांडे ने कहा ठीक है चला देता हूं, चला दी। रुक जाया करो सर, लिखा नहीं होता, चलो ये लिख लो, यहां में रुक गया। ठीक है, मंगल पांडे, क्वेश्चन पूरा लिखना, आता है पेपर में, आ सकता है, रिपीट हो सकता है। 2015 में आया था, HSSC वाले सोचेंगे 5 साल हो गए 7 साल हो गए, ये उठा लेते हैं। ठीक है, लिखो भाई, क्वेश्चन भी पूरा लिखेंगे, ऑप्शन भी लिखेंगे सारे। ठीक है, आपके कितने पैसे कहाँ गए वो? अरे भाई ना 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 ना, कोई चक्कर नहीं है। मुझे आप लोग मिल गए, मेरे लिए यही सैलरी है। हो गया 82वां क्वेश्चन, थैंक यू जी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। डन लिखो ना, थैंक यू जी, थैंक यू। 83 क्वेश्चन नंबर 83, ये लो जी, मुझे है ना इतनी खुशी क्वेश्चन देख के नहीं होती, इतनी खुशी इसको देख के होती है। ग्राम सचिव परीक्षा में जो कि कैंसिल हो गई थी, जो पेपर कैंसिल हो गए थे ना ग्राम सचिव के, 2021 में जनवरी में जो स्टार्ट हुए थे उसमें आया हुआ था। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को, 24 दिन तक पैदल पैदल गए, 24वें दिन वहां पहुंचे, फिर यानी 5 अप्रैल को पहुंचे, अगले दिन शुरू कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कानून तोड़ना है जी, तो चुटकी भर नमक उठाया, मुट्ठी भर नमक उठाया और कानून तोड़ा। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को तो वहां पहुंच गए थे, मतलब काम शुरू कर दिया था 12 मार्च 1930। ये यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक चली थी, दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा, लिख लो इसको। और मजेदार चीज तो ये है, ग्राम सचिव, देखो जो क्वेश्चन आए हुए हैं मतलब HSSC ने इसको अलग से फोकस किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमें टिप्स पे याद होने चाहिए, इसीलिए मैं इंपोर्टेंस देता हूं MCQ से ज्यादा PYQ को। और इसीलिए बार बार मैं इस चीज पे जोर लगा रहा हूं भाई, इस पे ध्यान दे लो, इस पे ध्यान दे लो। 78 लोगों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ, चुटकी भर नमक से कानून कैसे टूट गया सर? बिल्कुल बताता हूं मैं, कानून था कि कोई भारतीय नमक नहीं बना सकता, तोड़ दिया कानून, लो जी बना लिया, कानून टूट गया बस। 10th की बुक में 11 मार्च देर खाना ही नहीं, 12 मार्च आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा लिख लिया ना, लिखे डन,
पता लग गया सुरेंद्र कुमार कैसे टूटता है कानून चुटकी भर नमक से। रूल नहीं था कि कोई भारतीय हाथ लगा दे, उन्होंने लगा दिया हाथ। हाँ जी, समुद्र के पानी से नमक बनता है, इसलिए दांडी जो है समुद्र तट है गुजरात में, वहां पर गए थे वो लोग, पैदल यात्रा निकाली थी 24 दिन की। हाँ जी, नमक कानून 6 अप्रैल को तोड़ा था, ठीक है, और 6 अप्रैल को ही शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को शुरू हो गया था। उसके बाद देखिए 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84, 84वां प्रश्न, 84वां प्रश्न है जी, एचएसएससी ग्रुप डी। ग्रुप डी देखते ही तो भाई कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता होगा, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू चिक्कू, थैंक यू। हाँ जी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने पढ़ाई नहीं अब तक। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन था, नेतृत्व नहीं था जिसमें, कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन था मुझे बताइए। साइमन गो बैक, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बताइए जी फटाफट बताएं, कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था। नेतृत्वहीन आंदोलन कौन सा था? हाँ सबका अलग अलग है, साइमन बैक बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आया हुआ है ग्रुप डी में, बताएंगे। देखिए साइमन गो बैक में तो नेतृत्व करने के लिए गए थे लाला लाजपत राय, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने कहा था खुद ही अपना नेतृत्व करेंगे आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन में कोई पर्टिकुलर नेतृत्व नहीं था, ठीक है। तो यहां पर आएगा आंसर सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह में तो गांधी जी ने कहा था आप खुद ही हैं सब कुछ है, ठीक है। हो गया, चलिए आगे देखिए जो एग्जाम में आज, अरे आप पहली बार देख रहे हैं क्या क्लास, पहले ये बताओ, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं, क्या करवा रहा हूं मैं, पीवाईक्यू करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब तक जो एचएसएससी ने पूछे वो करवा रहा हूं, 84 के बाद 85वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, 85वां क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तोलाराम ने किस क्षेत्र से मुकाबला किया था, राव तोलाराम बताइए, राव तोलाराम ऑफलाइन अंशुल, इसके बाद राव तोलाराम ने कौन सी जगह से, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, नारनौल, रेवाड़ी, 1857 के संग्राम लिख लो क्वेश्चन को, 1857 के संग्राम में राव तुलाराम ने किस एरिया से, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो कराओगे क्या, जैसे ही पीवाईक्यू खत्म होंगे टॉपिक वाइज चलेंगे सिंधु सभ्यता से लेकर के आगे, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम, 200 के लगभग का टारगेट है मेरा पीवाईक्यू का, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। 85 हो गए, रेवाड़ी, हाँ हरियाणा जी, हरियाणा की हिस्ट्री का है, कोई नहीं। 86वां देखिए जी, ये आ गए जी मजेदार क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, ये क्लर्क 2016 में, क्लर्क 2016 में आया हुआ था जी, 27 नवंबर 2016, क्लर्क सत्यार्थ प्रकाश, इस किताब में लिखा हुआ एक नारा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी इसी के अंदर है सत्यार्थ प्रकाश में, ये दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का दिया हुआ है। अरे बलदेव कौन बता रहा है,
सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन हो गए जी हमारे 86, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का लास्ट आप इस पे टिक कर लें इस तरीके से कि 86 हो गए। अगली क्लास में आते ही पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 87, यानी 86वां कौन सा था, उसके बाद हम आगे शुरू कर देंगे इसको, ठीक है। हाँ, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी, बिल्कुल आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1885 में। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को, आ रहा था मजा क्लास में? ये क्वेश्चंस बड़े खतरनाक हैं आप लोगों के लिए, मतलब पेपर में आएंगे सेम टू सेम। डाउनलोड का ऑप्शन मैं अभी कर लूंगा बात, अगर करेंगे तो ठीक है। इसके अलावा आप लोग यूट्यूब से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं विजय शर्मा हिस्ट्री के नाम से, ठीक है। चलिए जी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन हो गए हमारे 86। पूछना चाहेंगे कुछ? बता देंगे जी पीडीएफ का भी। अमित, ये आपके गलत हुए हैं क्या 5? अमित आपके गलत हुए हैं क्या 5? ये मेरे गलत हुए हैं, पिछला क्वेश्चन ज्यादा डेंजर था सर। हाँ बिल्कुल सर, काल पर बात भाई, आज मैं बिजी हूं, आज नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा आपके हुए हैं, चलिए जी ठीक है, फिर आराम से बोला करूं, ठीक है जी, ओके जैसा आप कहेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू।